हेलो क्लास फोर्थ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी जो हिंदी अराध्या बुक है उससे पार्ट 15 ताजमहल। तो चलिए आप अपनी हिंदी अराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 82, पार्ट 15 ताजमहल। बच्चों ताजमहल लास्ट ईयर हम लोग घूमने गए थे ना, तो आप लोग भी कुछ बच्चे गए थे ना। हम लोग आगरा गए थे जब घूमने, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना ताजमहल, तो कितना अच्छा लगा था जब उसे हम लोगों ने पास से देखा था। तो चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं ताजमहल के बारे में। यह ताजमहल का चित्र है, देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई ना ताजमहल की। तो यह ताजमहल का चित्र है। ताजमहल का नाम और इसकी रूप रचना से सभी परिचित हैं। जिन व्यक्तियों ने ताजमहल को निकट से देखा है उनकी तो बात ही क्या, जिन्होंने भी एक बार इसे देख लिया उनके मन मस्तिष्क पर ताजमहल की अमिट छाप पड़ जाती है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां को सुंदर इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उसका काल मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहलाता है। जब शाहजहां का जो काल था वह क्या कहलाता है, स्वर्णिम काल। उस अपने समय में शाहजहां ने अनेकों सुंदर इमारतें बनवाई जो आज भी वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है। शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल था। वह अपनी बेगम से बहुत प्यार करता था। एक समय सुंदर मल्लिका मुमताज महल बीमार पड़ गई। शाहजहां ने हर संभव उपचार करवाए परंतु मुमताज महल का स्वास्थ्य गिरता ही गया। अब उसके बचने की कोई आशा न थी। संपूर्ण साम्राज्य का सम्राट शाहजहां मृत्युशैया पर बड़ी बेगम को बेबस बैठा देख रहा था। वह तो उपचार करवा रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी, तो वो बेचारे बहुत ही लाचार हो गए। फिर मुरझाए फूल के समान बेगम के मुंह को देखकर शाहजहां की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बेगम, खुदा के सामने किसी का बस नहीं चलता, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है मुझे बताओ। चलिए बच्चों पेज टर्न करिए। फिर खामोश मुमताज महल कुछ देर शाहजहां को निहारती रही, फिर बोली, मेरे आका, मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर एक ऐसी यादगार इमारत बनाना जिसे देखकर दुनिया के लोग हमें सदा याद रखें। वह मकबरा हमारे प्रेम की अमर निशानी होगी। तो मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने मकबरा बनवाने के लिए विख्यात वास्तुकारों को बुलवाया। बहुत बढ़िया किस्म का संगमरमर मंगवाया गया और मकबरे का निर्माण शुरू हुआ। तो ये जो ताजमहल है उसे क्या कहा जाता है, मकबरा कहा जाता है ना। तो फिर क्या हुआ आगे, लगभग 20 वर्ष तक निर्माण कार्य निरंतर चलता रहा। जो ये ताजमहल बनकर जो तैयार हुआ तो कितना इसमें लग गया समय, 20 वर्ष, है ना, 20 इयर्स लग गए बच्चों। तब जाकर हजारों मजदूरों, शिल्पकारों तथा वास्तुकारों के अथक प्रयास से ताजमहल बनकर खड़ा हुआ। यह शाहजहां की कल्पना से भी सुंदर ताजमहल था। पूर्णिमा की रात्रि में, जो पूर्णिमा आती है ना जब चांद पूरा होता है, तो पूर्णिमा की रात्रि में पूरे चांद के अवतरण पर शाहजहां ने आगरे के किले से ताजमहल को निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे। सचमुच ताजमहल वैसा ही सुंदर है जैसी कब्र में सोई मल्लिका मुमताज महल सुंदर थी। उसके मुंह से ये शब्द निकल पड़े। तब से लेकर आज तक ताजमहल प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का विषय बन गया। आज ताजमहल देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। पर्यटकों को दिल्ली से आगरा ले जाने तथा शाम को उन्हें वापस के जाने के लिए ताज एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाती है ना। जो लोग दिल्ली से जाते हैं तो वहाँ पर ताज एक्सप्रेस गाड़ी है जो कि ले जाती है फिर शाम को वापस पहुँचाती है।
इससे सैकड़ों पर्यटक यात्रा करते हैं। पर्यटक ताजमहल में प्रवेश करने के लिए टिकट लेकर लाल पत्थर के ऊंचे द्वार को पार करते हैं। उन्हें सामने ताजमहल एक ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर सहसा आंखें चुंधिया जाती हैं। मकबरे के चारों ओर चार सफेद मीनारें खड़ी हैं। एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, जहां मुमताज महल तथा शाहजहां की कब्रें हैं। वहां दिन में अंधेरा रहता है। कब्रों पर बनी रंग बिरंगी चित्रकारी दर्शकों को मुग्ध कर देती है। इन कब्रों के ठीक ऊपर वैसी ही दो नकली कब्रें बनी है ना? ताजमहल के दोनों ओर लाल पत्थर की दो मस्जिदें बनी हैं। ताजमहल के सामने छोटी सी एक नहर है, जिसमें फव्वारे चलते रहते हैं। दाएं बाएं हरे भरे वृक्षों की पंक्तियों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं तथा चारों ओर हरियाली के दर्शन होते हैं। पास ही दूर तक फैला हरा भरा बाग है, जिसमें अनेक प्रकार के सुंदर छायादार वृक्ष लगे हैं। तो बच्चों, हम लोग गए थे तो देखा था, आप लोगों में से कोई गया होगा तो उसे याद होगा, है ना, कि ताजमहल में हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है। हजारों दर्शक ताजमहल की छटा देखने आते हैं। आधी रात के समय जब चंद्र किरणें संगमरमर के पत्थर पर पड़ती हैं, तो वह दृश्य देखने योग्य होता है। आज ताजमहल संसार का आठवां आश्चर्य माना जाता है। विदेशों से कोई भी भारत में काम काज के लिए आता है तो ताजमहल देखना नहीं भूलता। तो बच्चों, कितना अच्छा था ताजमहल जब हम लोग देखने गए थे, है ना? तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म किया है। इसके आप शब्द अर्थ लिख लीजिएगा कॉपी में, और चलिए इसका प्रश्न प्रहर भी कर लेते हैं हम लोग। तो का में देखिए क्या लिखा हुआ है। शाहजहां को क्या बनवाने का शौक था? सुंदर इमारतें। इमारतों पे आप टिक लगाइए। फिर सेकंड है, ताजमहल प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का विषय है। फिर थर्ड है, ताजमहल के छोटी सी एक नहर है ताजमहल के सामने, है ना? ताजमहल के सामने था ना, छोटी सी नहर, फिर के सामने डैश कौन सा है बच्चों? ये फोर्थ में क्या है? किसी का बस नहीं चलता, खुदा के सामने, है ना? खुदा के सामने किसी का बस नहीं चलता। शाहजहां ने क्या बनवाया था? शाहजहां ने मकबरा बनवाने के लिए विख्यात वास्तुकारों को बुलवाया। फिर सही कथन के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल ने करवाया था, गलत। शाहजहां को मंदिर बनवाने का बहुत शौक था, ये भी गलत। इमारतें बनवाने का शौक था ना उन्हें। फिर ताजमहल के दोनों ओर लाल पत्थर की दो मस्जिदें बनी है, सही। ताजमहल के सामने खुले मैदान में फव्वारे चलते हैं, है ना, सही है। फिर ताजमहल की गिनती संसार के महान आश्चर्यों में की जाती है, सही, ये भी सही है। फिर सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहलाता है, क्योंकि वह काल उन्नति का प्रतीक है। उस काल में सोने का उत्पादन अधिक हुआ, लोग सोने का उपयोग अधिक करते थे। नहीं बच्चों, आ होगा, वह काल उन्नति का प्रतीक है। उस समय बहुत ही उन्नति तरक्की हुई थी, इसलिए। अब चलिए सेकंड में देखिए क्या पेज नंबर 85 पर। शाहजहां के काल की इमारतें किस कला की दृष्टि से अनुपम है? वास्तुकला, है ना, वास्तु, उसका वास्तु बहुत अच्छा होता था। फिर ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? लगभग 20 वर्ष। फिर ताजमहल ने आगरे के किले से शाहजहां ने सॉरी बच्चों शाहजहां ने आगरे के किले से ताजमहल को कब निहारा? पूर्णिमा की रात को, है ना।
ताजमहल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए, भक्तों के लिए, पर्यटकों के लिए, है ना। फिर इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो प्रश्न उत्तर मैं आपको असाइनमेंट में लिख के दूंगी, ठीक है। ओके बाय बच्चों।